अब दुआ में अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस कदूस कदूस, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। कदूस खुदावंद, तू जो भला खुदा, तू जो देने की ताकत रखता, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाले पिता, तू जो आसमान और जमीन का खालिक है, तू जो कदूस खुदावंद है, तू जो दुआओं को सुनता और कबूल करता है, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ। आज सुबह यीशु बाप, मैं तेरे हजूर आती, तेरे हजूर झुकती और तुझसे दुआ करती। खुदावन, इन तमाम खानदानों के लिए मैं तुझसे दुआ करती। जलाली पिता, इस एक एक जान के लिए मैं तुझसे दुआ करती। खुदावन, इन तमाम लोगों के लिए दुआ करती कि तू इनको छू, ब्लेस कर और बरकत दे। खुदावन, जितने भी लोग इस वक्त तेरे हजूर बैठे हैं, उनको छूना, उनको बरकत देना। जलाली पिता, जितने भी बीमार हैं, उनको शिफा याब करना। कैंसर की बीमारी अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। लंग्स की बीमारी अभी और इसी वक्त यीशु नाम में जाती रहे। कदूस खुदावन, जिनको अपा खुदावन कमजोरी है, अपा खुदावन की तमाम कमजोरी जाती रहे। यीशु बाप, इनको छू, इनकी बीमारियों को मैं तेरे यीशु नाम में रिमूव करती। कदूस खुदावन, ये तमाम बीमारियां तेरे यीशु नाम में अभी और इसी वक्त जाती रहें। इस एक एक भाई को, बहन को छू खुदावन, इनकी बीमारियों को अभी और इसी वक्त आए पा खुदावन तेरे यीशु नाम में मैं रिमूव करती। ये तमाम बीमारियां तेरे यीशु नाम में अभी और इसी वक्त इनके बदनों को छोड़े और जाएं। जितनी भी बहनें अपा खुदावन इस वक्त तेरे हजूर बैठी हैं, जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, जलाली पिता तो इनको छू। तेरे कलाम में लिखा है कि तू बांझ का घर बसाता, उसे बच्चों वाली बनाकर दिलशाद करता है। आज इस एक एक बहन को छू जो औलाद जैसी नेमत के लिए पा खुदावन तेरे हजूर झुकी है, तुझसे दुआ कर रही है। कदूस खुदावन, इस बहन को छू और इसे औलाद जैसी नेमत अदा कर। इसके बंद रहम को खोल खुदावन और इसे औलाद मुहैया कर, ताकि ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। इन तमाम बच्चों के लिए खुदावन दुआ करती कि कदूस खुदावन तो इनको छू, इनको ब्लेस कर जलाली पिता, ताकि ये आगे बढ़कर तेरे कामों को करने वाले बने। इनको छूना, इनको बरकत देना। कदूस खुदावन, तू जो भला खुदा है, तू जो देता है, अपा खुदावन इनके लिए मैं दुआ करती तुझसे कि तू इनको छू और इनको बढ़कर मुहैया कर खुदावन। जिस जिस चीज के लिए ये मोहताज है पा खुदावन, तो इनको मुहैया कर, क्योंकि तू अपने लोगों को देना खूब जानता है। तू भला खुदा है, कदूस खुदावन इनको छू, इनको ब्लेस कर। एक एक जान के लिए मैं तेरी बड़ी बरकत को, तेरी बड़ी ब्लेसिंग को मांग लेती खुदावन। जितने भी इस वक्त हॉस्पिटल्स में हैं, सीरियस हालत में हैं, ऐ पा खुदावन तो अपने जलाली हाथ को उनकी तरफ बढ़ा। ऐ पा खुदावन तो उनको छू, उनको शिफा बख्श हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की डिजीज से। ऐ पा खुदावन उनको छुटकारा दे। जलाली पिता, तू लंगड़ों को चलाता, तू कोड़ियों को पाक साफ करता। यीशु बाप, अपने मौजजे को इन पर जाहिर कर। अपा खुदावन इनको छू, ताकि ये अभी और इसी वक्त हीलिंग को महसूस करें। तेरा पाकरू इनको टच करे खुदावन, तेरा पाकरू इनको छुए और ये शिफा पाए। हालेलुया,
कदूस खुदावन, उन तमाम लोगों के लिए पाक खुदावन मैं दुआ करती कदूस खुदावन जो तेरी राहों से बेखबर हैं, जो तेरी राहों को भूल चुके हैं, पाक खुदावन जो तेरी राहों से भटक चुके हैं, कदूस खुदावन मैं उनके लिए दुआ करती कि जलाली पिता वो फिर से तेरी ओर चले आए। अपा खुदावन उनकी तरफ ऐसी रोशनी को मुहैया कर खुदावन, ताकि वो अभी और इसी वक्त अपा खुदावन अपनी आंखों को खोलें और सीधे रास्ते की तरफ चलें, उस रास्ते की तरफ जो अपा खुदावन तेरी ओर आता है। जलाली पिता, तू जो भला खुदा है, तू जो देने की ताकत रखता है, इस वक्त तमाम इल्तिजाओं को, तमाम दुआओं को अपा खुदावन तेरे हजूर लाते, एक एक को छू, इनको बरकत दे, इन तमाम खानदानों के लिए अपा खुदावन तेरी खास बरकत को चाहती, एक एक को छूना खुदावन, इनको बरकत दे, इनकी रोज रोटी में इनको बरकत देना, रुपए पैसे में इनको बरकत देना, अपा खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती में इनको बरकत देना। जलाली पिता, इनको बरकत पर बरकत देना, ताकि ये तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। तो कदूस खुदा है, तू भला खुदा है, तेरी हमद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सिताइश हो, क्योंकि इन तमाम के लायक बस तू ही है खुदावन। खुदावन इनको छूना, इनको बरकत देना, मांगती तेरे जलाली और पवित्र यीशु नाम के वसीला से, आमीन।